वेलकम टू मार्वल फ्यूचर फाइट हिंदी इंडिया, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आज अपने ब्लैक पैंथर के बारे में बताने वाला हूँ, काला बिल्ला। तो चलिए शुरू करते हैं काले बिल्ले के बारे में। तो सबसे पहले मैंने काले बिल्ले को देखा था इस रूप में, मेरे को काफ़ी पहले अच्छा लगा था ब्लैक पैंथर, लेकिन 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 मैंने ब्लैक पैंथर को हासिल करने के पहले मैंने ब्लैक बोल्ट को हासिल किया था, उसके बाद में मैंने जाकर ब्लैक पैंथर को लिया था काफ़ी बाद में, मतलब लग गई हाल ही में मैंने एक साल में कुछ इसको डेवलप किया, मतलब ज़्यादा पावरफुल बनाया। उसके बाद में आया ये सिविल वॉर वाला ब्लैक पैंथर, जिसका यूनिफॉर्म मैंने बाय नहीं किया और ना ही मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ खास लगा कि इसको मैं बाय करूँ। उसके बाद में यहाँ पर एक आया ब्लैक पैंथर यूनिफॉर्म के साथ, ब्लैक पैंथर यूनिफॉर्म जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होकर आया, इसकी अटैक स्पीड काफ़ी ज़्यादा फुल हो गई और काफ़ी ज़्यादा गेम में चेंजेस हुए। उसके बाद में गेम की ऐसी की तैसी होना शुरू हो गई। इसका जो यूनिफॉर्म है ये मैंने मैथिक कर रखा है, क्योंकि मैथिक करना बहुत ज़रूरी था। मैथिक करने के बाद इसके अंदर का जो मेरे को ब्लैक पैंथर का कार्ड मेरा वो ना मेरे इन्वेंटरी में अभी भी सेव है। उसके बाद में इसके कैरेक्टर के डिटेल्स की बात करते हैं। कैरेक्टर का जो कैरेक्टर है ये फिजिकल अटैक टाइप कैरेक्टर है, आपने इन्फिनिटी वॉर में इसको अटैक करते हुए देखा होगा, हाथ मुंह और सॉरी मुंह से नहीं, हाथ और पैरों से इसको लाते मुक्के से अटैक करते हुए देखा है, तो ये फिजिकल अटैक टाइप कैरेक्टर है। उसके बाद में इसका जो अटैक स्पीड है वो फुल है 130%, उसके बाद में क्रिटिकल रेट है 36% और क्रिटिकल डैमेज है 198.37%। इसका जो इग्नोर डिफेंस है वो 36.38% है और इग्नोर डॉज नहीं है। स्किल कटोन ड्यूरेशन यहाँ पर 43% है। उसके बाद में गियर्स, आई स्वेट और कार्ड, बात करता हूँ इसकी गियर्स की। इसके जो गियर्स है ये मैंने टायर 3 के लिए रेडी नहीं किया, नॉर्मली टायर 2 के लिए रहने दिया। उसके बाद मेरे को टायर 3 में कोई इंटरेस्ट नहीं है और बहुत से लोगों ने तो इग्नोर कर दिया इसको, आई डोंट केयर करके। क्रिटिकल डैमेज लगा रखा है इसके चेंज ऑप्शन में। उसके बाद में यहाँ पर इसके बाकी के स्किल्स सभी के सभी फुल है। उसके बाद में इसके जो स्किल्स में एक टायर 3 का ऑप्शन है वो ये है, पैरालिसिस से 5 सेकंड्स के लिए मेरे ख्याल से ये स्ट्राइक को टक्कर दे सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना स्ट्राइक दे सकता है। स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा, उसका अटैक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। डील है 45% ब्लीड डैमेज एवरी 1 सेकंड्स, डिक्रेस ऑल स्पीड 20%, स्टन इम्यूनिटी 3 सेकंड्स के लिए, अप्लाई सेल्फ इग्नोर डिफेंस 15%, इंक्रेस ऑल अटैक 20%, ऑल स्पीड 20%, क्रिटिकल रेट बाय 5%, रिमूव इंसेप्शन 7 सेकंड्स के लिए। उसके बाद में इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 100% और चांस टू सुपर आर्मर बैरियर शील्ड डैमेज इम्यून टू इनविजिबल सेकंड्स इफेक्ट 7 सेकंड्स के लिए। बाप रे, फिजिकल अटैक 240%, फिजिकल अटैक एडिशनल फिजिकल डैमेज 48%, टायर 3 रिक्वायरमेंट एडवांसमेंट रिक्वायरमेंट। उसके बाद में यहाँ पर क्रिटिकल रेट बाय इंक्रीज 15%, बस ये है इसकी खास लीडरशिप। उसके बाद में इसकी जो आई शॉट दे सकते हो वो आप एंग्री ऑफ हल्क कर देना मैक्सिमम। इसका जो लेजेंडरी बैटल मोड है जहाँ पर क्या नाम था उसका विलन का, क्या नाम है मैं भूल गया, क्या नाम है किल मॉन्गर जो है उसकी जो लेजेंडरी बैटल में जो स्टेज है वो स्टेज में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब करके वहाँ वो स्टेज क्लियर करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा। इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा मैंने आई शॉट को रोलिंग किया, उसके बाद में सही आई शॉट लगाने के बाद उसको दिया तो काफ़ी ज़्यादा फिर स्टेज क्लियर किया। वहाँ से मेरे को जो सिटी भी चाहिए था वो सिटी भी अचीव किया, बाकी का रिवॉर्ड मैंने वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद में इसका जो मैंने दिया हुआ है वो क्रिटिकल डैमेज दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आया नहीं, तो यहाँ पर आ गया वेब तो मेरा काम बन गया। उसके बाद में यहाँ पर यूनिफॉर्म है मैथिक, ये बंदा काफ़ी अच्छा है लेकिन 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 इसके अपडेट के बाद में गेम में बिजनेस नाम का एक शुरू हो गया, मतलब पैसा दो और तमाशा देखो। कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक शैडो रन में स्टोरी मिशन में काफ़ी ज़्यादा मददफुल हेल्पफुल है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये हार गया, मतलब कुछ चीज़ में बहुत ही ज़्यादा वीक है। उसके बाद में इसके बायोमेट्रिक्स की बात करते हैं, इसके बायोमेट्रिक्स मिल जाएंगे आपको स्टोरी मिशन में, जहाँ पर ये 4 चैप्टर अवेलेबल है, 4 चैप्टर में अलग अलग जगह पर इसकी स्टोरी जो बायोमेट्रिक्स है वो रखे हुए हैं, तो वहाँ से ये इसको अचीव करके इसको टायर 2 रैंकअप कर सकते हैं।
तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। और कैसे क्या किया, क्या है क्या नहीं, कुछ भी अगर समझ में नहीं आएंगे तो पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।